तो मैं और एक वीडियो के साथ आई हूँ आपके पास, जो है मेरा फेवरेट राहु रेमेडी। तो राहु की जब महादशा आपकी चल रही हो या कोई भी अंतरदशा महादशा जो भी चल रही हो, तो पहली चीज़ जो होती है आपके साथ वो है ओवरथिंकिंग। तो आप इतना सोचते हो इतना सोचते हो इतना सोचते हो कि आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, आपको इचिंग होने लगती है, आपका सर दुखने लगता है, आपको जैसे लगता है कि दिमाग फटने वाला है, माइग्रेन जैसा पेन होने लगता है और आप कुछ कर नहीं पाते हो। तो आपको कुछ एक्टिविटी करने का मन नहीं होता है, आपको कुछ किसी से बात करने की मन, किसी से भी आप कॉन्टैक्ट रखना नहीं चाहते हो। तो ये सब आपको जब सिम्टम्स नोटिस हो रहे हो, तब आपको समझना चाहिए कि राहु की दशा चल रही है। अब कोई भी दशा हो सकती है, अंतरदशा महादशा, वो आपका एस्ट्रोलॉजर आपको बराबर से बता सकता है। तो क्विक रेमेडीज़ आपको क्या करनी है, आपको ओम नमः शिवाय 108 टाइम्स चांट करना है, लेकिन ज़ोर से बोल के। क्यों ज़ोर से बोलना है आपको? क्योंकि जब राहु की दशा चलती है तब दिमाग अंदर चलता रहता है। तो जब आप मन में चैंट करोगे 108 टाइम्स ओम नमः शिवाय, आपका दिमाग उस चीज़ को सुन नहीं पाएगा, आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो कंसंट्रेशन को जगाने के लिए आपको थोड़ा सा ज़ोर से बोलना पड़ेगा ओम नमः शिवाय 108 टाइम्स। आप दिन में कभी भी कर सकते हो। और जब राहु की दशा होती है तब दिमाग नहीं चलता है। तो जब आपको कोई डिसीशन लेना है, से आपको कोई फ्लैट खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बच्चे की शादी करानी है, तो जब आप डिसीशन लेंगे आप वो डिसीशन प्रॉपरली नहीं ले पाएंगे। तब आपको क्या करना है, आप जिनको ट्रस्ट करते हो, जो आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, आपके जो मेंटर्स हैं, जो आपके गुरु हैं, या कोई भी आपका फ्रेंड है जो आप जो जिनकी आप सुनते हो और जो आपको लगता है कि आपको गाइड कर सकता है, आप उनकी एडवाइस ज़रूर लीजिए। और उनकी एडवाइस के ज़रिए अगर आप ये काम करेंगे तो आपका काम बेटर होगा। तीसरी एंड लास्ट चीज़ आपको क्या करनी है, डेली बेसिस पे आपको एक्सरसाइज करनी है। इस हद तक एक्सरसाइज करनी है कि आपको स्वेट होना चाहिए। तो जब आप स्वेट करेंगे तब आपके जो अंदर के जो भी टेंशन्स हैं, जो भी एंग्जाइटी है, वो स्वेट के ज़रिए निकल जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको करना चाहिए और आप जल्दी ये राहु की दशा से बाहर आ जाएंगे।